सो जो लोग नए हैं मेरे व्लॉग में, आज जो पहली बार आ रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है ध्रुव नॉर्थ। मैं हूँ एक इंडियन कैरावैनर और मैं चलाता हूँ 1989 मैटाडोर, जो कि अभी आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी। हाल ही में मैं मूव हुआ मनाली, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लीज़ करी है। आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। एक मैंने प्रॉपर्टी लीज़ करी है, ये पूरी प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को मैंने पिछले एक महीने में रेनोवेट किया है। हमारे पीछे बहुत ही सुंदर पहाड़ हैं, इस तरफ भी पहाड़ हैं, उस तरफ भी हिमालय की वाइट पीक्स हैं, इस तरफ भी हिमालय की वाइट पीक्स हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एरिया है और हम लोगों ने बिल्ड किया है एक वुड फायर ओवन, और स्क्रैच से मैंने इस पूरे कैफ़े को बिल्ड किया है। अब ये देखो आप, ये कैफ़े मैं दिखाता हूँ। पिछले, बाय द वे, ये मेरी निसान इवालिया कैरावैन है। मैं पिछले एक महीने से इसी में रह रहा हूँ। जब तक मेरी फैमिली नहीं आई थी तब तक मैं इसी में रह रहा था, और दिस इज़ हाउ द कैफ़े लुक्स। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। मैं एक बहुत ही सोबर, साधारण और सिंपल लाइफस्टाइल बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ना पड़े सर्वाइवल के लिए, प्लस मैं नेचर के आसपास रह सकूँ, मैं ऑर्गेनिक खाना खा सकूँ, मैं हर वो चीज़ कर सकूँ जो एक इंसान को एक्चुअली करनी चाहिए। मेरे पीछे आप देख रहे हो एक गार्डन है, यहाँ मैं कॉटेजेस बिल्ड करने वाला हूँ ताकि मेरे गेस्ट्स आ सकें, रह सकें। और साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा कैफ़े बिल्ड हुआ है, ये मैंने अकेले नहीं किया है, ये बिल्ड हुआ है मेरे सब्सक्राइबर्स की मदद से। सो छोटे छोटे बारीक बारीक डिटेल्स में मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने, सब ने इसको मिल के बिल्ड किया है। ये हमारा कैफ़े है, ये दिस इज़ नॉट माई कैफ़े, दिस इज़ आवर कैफ़े। और इस कैफ़े में हर वो आपको एसेंस मिलेगा जो एक अच्छे कैफ़े में होना चाहिए। सो भाई, ये टेबल बिल्ड हो गई है। इसके देखा था आपने, पैर अलग पड़े थे और टेबल अलग पड़ी थी। ये टेबल बिल्ड कर ली है, ये मैंने नहीं बिल्ड करी, ये मेरी टीम ने बिल्ड करी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्लस साथ ही साथ मेरी टीम ने कल ऊपर यहाँ पे रस्सियाँ बांध दी है। इन रस्सियों से अब होगा क्या, ये रस्सियाँ, इसमें हम बल्ब टांगेंगे ताकि जो यहाँ पर बैठेंगे लोग, वो लोग ईजी हो सके उनके लिए। हम लोगों ने ये वाला एरिया बिल्ड कर लिया था, आपने देखा था यहाँ लाइट भी जलती है। वुड फायर ओवन ऑलमोस्ट रेडी है, आज हम इसमें टेस्टिंग करने वाले हैं। डो लगाऊंगा अभी और फिर हम इस पर टेस्टिंग करने वाले हैं। अपने लिए बन रहे हैं सनी साइड अप और कॉफ़ी, कॉफ़ी का शॉट दीपक भाई ने निकाल दिया है, प्लस साथ में टोस्ट। सो कैफ़े ओन करने का पर्क बहुत बड़ा पर्क है भाई ये कैफ़े ओन करने का। यहाँ बाहर बैठ के खाऊँगा, धन्यवाद मित्र। ये आ गई अपनी कॉफ़ी, तो यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगा। जब चेयर उठाओगे, फॉर अ चेंज आज मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ, मैं हूँ हमारे अभी भाई के साथ। अभी भाई को यहाँ पे 14 साल हो गए, रहते हुए 7-8 साल, 13-14 साल इनको टोटल मनाली में हो गए हैं। और आज मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ, तो मैं आपको कुछ अच्छे से नज़ारे दिखा पाऊँगा। हम लोग मनाली गए थे छोटा सा काम करने के लिए, वो काम निपटा के आ रहे हैं। ये देखो यार, ये है ब्यास रिवर, ऊपर है स्नो लैडन पीक्स, और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं अपने को, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने एक बोर्ड वाले को ऑर्डर दिया था कि मेरे बोर्ड को लगाने के लिए फ्रेम बनाना है, भाई गायब ही हो गया उसके बाद। तो अब गायब हो गया है, तो अब उसको पकड़ने जा रहे हैं उसकी दुकान में और उससे बोलेंगे भाई बोर्ड लगा दे, अपने कस्टमर कैसे आएंगे अंदर जब तक बोर्ड देखेगा नहीं। तो अब उसकी दुकान में जा रहे हैं। आज की नई भसड़ कि अपना माइक्रोवेव हो गया ख़राब। माइक्रोवेव के अंदर यहाँ पे कुछ जल गया है, आई थिंक किसी ने इसमें स्टील का बर्तन रख दिया है जिसकी वजह से ये फूक गया है। अब सबसे बात कर ली कि किसने इसमें स्टील का बर्तन रखा, और सारे के सारे बोल रहे हैं मैंने नहीं, पर किसी ने तो रखा है। और मैंने अभी अभी सैंडविचेस बनाए हैं, देखो भाई क्या सही सैंडविचेस लग रहे हैं। कॉफ़ी भी तो पड़ी थी, कॉफ़ी भी ले आते हैं ना अंदर से, कॉफ़ी भी बना के रखी है। कॉफ़ी इतनी अच्छी है, केचप लाना है, केचप। चलो भाई, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग दिन में कैफ़े कर रहे हैं बंद। बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनाली जाना पड़ेगा, माइक्रोवेव फिक्स कराना पड़ेगा, बहुत सारी वेजिटेबल्स लेनी है, चिकन लेना है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि वैशाली और बच्चों को ओल्ड मनाली घुमा के ले आऊँ, तो आप लोगों को भी और वैशाली को भी और बच्चों को भी ओल्ड मनाली घुमाने ले जाऊँगा। बाइक पर जाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई खा लो, इतनी देर में तो पता नहीं कितनी पिक्चर्स खिंच जाती, ठंडा हो जाएगा।
भाई मैं क्या सैंडविच बनाता हूँ यार, दिल खुश हो जाता है खुद ही। क्या ही सैंडविच बनाता हूँ मैं, कितना अमेजिंग सैंडविच। क्या बढ़िया सैंडविच बनाया मैंने। वीर वीर कैफे क्लोज कर दे यार, अब हमको जाना है ना आज, तो आज हम शाम को ओपन करेंगे, दिन में नहीं करेंगे। क्लोज्ड, सो वी आर क्लोज्ड टुडे टिल 4 PM, 4 बजे तक हम बंद रखेंगे, 4 बजे के बाद आज हम कैफे को खोल देंगे। पता नहीं कितने दिनों बाद शूज़ निकाले हैं आज, जब से आया हूँ यहाँ पे शूज़ पहने ही नहीं है, और जो पहने थे अपने भैया तो बूट्स पहने थे जब बारिश हो रही थी, और अदरवाइज अपनी सिर्फ फ्लिप फ्लॉप्स स्लाइडर्स चल रहे हैं। तो एनीवे एंटरिंग द होटल रूम जहाँ हम लोग चेक इन है। ओके दिस इज सच अ मेस, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दैट्स मी, ऑलराइट लुकिंग ओके। भाई वीर आ गया, मैं आ गया, ये हमारी फैमिली बाइक बन गई। ढंग से बैठो ओ ढंग से बैठो चले अब वैशाली, इतने झटके मत मारो यार, सब लोग बैठ गए, मनाली जा रहे हैं पीछे वाले रास्ते से। गाइज हम लोग हैं अभी शनाग में, हम लोग जा रहे हैं ओल्ड मनाली की तरफ पीछे वाले रूट से। वो देखो वहाँ पे कुछ ना वर्कर्स सोए हुए हैं, ये देखो इन लोगों ने बेचारों ने घास वास काटी होगी, अभी रेस्ट कर रहे हैं, ये देखो ये सारे के सारे रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सो जाते हैं रोड पर, कोई चिंता नहीं है इनको। हाँ और ऊपर वो देखो वो बह रहा है एक वाटरफॉल, वो कितना अच्छा वाटरफॉल दिख रहा है, ये देखो क्या सही वाटरफॉल है। वैशाली कंफर्टेबल हो? Yes, सही लग रहा है। वीर आप कंफर्टेबल हो? हाँ। सही लग रहा है? हाँ। अंगद कंफर्टेबल है? Yes. सो रहा है। चलो अब आगे का सफ़र जारी करते हैं। भाई मेरे को बाइक में व्लॉगिंग करनी नहीं आती, अगर कोई मेरे सब्सक्राइबर जो इसको देख रहे हैं वीडियो को और वो बाइकर हैं और व्लॉगिंग करते हैं बाइक में, तो प्लीज़ मुझे बताना क्या कर सकता हूँ मैं। मेरे पास GoPro भी है, मेरे पास सोनी भी है, मेरे पास फ़ोन भी है सैमसंग S22 Ultra, तो इनमें मैं कैसे कर सकता हूँ व्लॉगिंग। मतलब मेरे लिए तो बड़ा औखा हो रहा है कि मैं रुक के जाऊँ फिर व्लॉगिंग करूँ और फिर आगे बढ़ूँ, और जो सेफ़ भी हो। हाँ यार मतलब क्या है ना कि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, तो बताना मेरे को। अब मैं अगला कैमरा ऑन करूँगा ओल्ड मनाली पहुँच के। तो आगे बाइक जाएगी नहीं जाएगी देखें, इधर से चले जाएगी। तुम रुको ना वहीं पे रुको, वीर वापस जाओ भाई, बाइक नहीं जाएगी आगे अभी। नहीं बंद कर दिया क्या पूरा? पूरा मतलब क्या, आगे कहाँ तक जाना आपको? मैं तो क्लब हाउस में सोच रहा था पार्क करूँगा, वहाँ तक चली जाएगी क्लब हाउस तक तो, या यहीं ठीक है खड़ी रहे, यहीं रहने दो, यहीं से चलो ये ना? हाँ पीछे चलो, फिर बाइक को यहीं छोड़ेंगे, यहाँ से पैदल ही जाना है, ये रोड बन रही है तो रास्ता बंद है। चलो बाइक हो गई लॉक, अब चलना शुरू करेंगे क्लब हाउस की तरफ। सो बाइक पार्क कर दी थी, ये वैशाली है, ये अंगद है, और अब हम लोग जा रहे हैं ओल्ड मनाली की तरफ। अब पहुंच गए क्लब रोड क्लब हाउस। ये हम क्लब हाउस के पास पहुंच गए हैं, क्लब हाउस से एंटर करने वाले। ये ओल्ड मनाली में एंटर कर रहा हूं। जनरली जब हम लोग सीधे रास्ते से आते हैं जहां से मोस्टली टूरिस्ट आता है, तो वो सामने आपको जो गाड़ी दिखाई दे रही है वो वहाँ से एंटर करता है। वो देखो जहाँ से गाड़ी आके इस तरफ मुड़ी है वहाँ से एंटर करते हैं। सो ये एक छोटा सा ब्रिज है, ये ब्रिज कनेक्ट करता है मॉल रोड और ओल्ड मनाली को। बट हम लोग अभी आए हैं पीछे से, हम लोग आए हैं गांव-गांव वाले एरिया से, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ से निकले हैं। बट अदरवाइज़ ओल्ड मनाली के लिए जो रास्ता आता है वो ये वाला ब्रिज है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिज है। आपको दिखाता हूँ कि कैसी नदी बह रही है।
बहुत सारे टूरिस्ट बैठे होंगे, बहुत रौनक होती है इस एरिया में। ये देखो ये ब्यास नदी बह रही है। अच्छा बाय द वे, अगर आप पहली बार मनाली आ रहे हो तो आप डायरेक्टली अपनी गाड़ी ओल्ड मनाली लेके आ सकते हो, और यहीं ऊपर पे एक पार्किंग है, उस पार्किंग में आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहीं पे ऊपर जाते ही वो देखो गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई, वो एक पार्किंग फील्ड है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करो, और फिर यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा ऊपर। कुछ अच्छे कैफ़ेज़ में से एक ये कैफ़े है, एवरग्रीन। जनरली मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, इनकी बेकरी भी ठीक है, इनका कैफ़े भी ठीक है। तो ये एवरग्रीन है। इस वाली मार्केट में आप काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हो। ये रही वो पार्किंग जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो और यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। ये देखो ये माँ बेटा धीरे धीरे, इनका स्टेमिना ख़त्म हो गया है, थक गए। तुम लोगों को क्या हुआ? तुम वही लोग हो जिन्होंने ट्रैक मारा था 3300 मीटर का। आफ्टर डिलीवरी थोड़ा स्टेमिना कम हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी स्टेमिना कम हो जाता है। और क्या कर रही हूं, बहुत बड़ी बात है। मम्मा पता नहीं कहाँ है, दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ, क्यूट लग रहे हो आप, आपको नहीं अच्छी लगी तो रख क्या हो, फिर दे दो भैया को वापस। भाई पहली बार ऐसा हुआ कि वीर को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी हो, वरना सबसे पहले सबसे ज़्यादा कपड़े, सबसे ज़्यादा जूते, सबसे ज़्यादा हर चीज़ यही लेता है। नहीं पसंद आई, फॉर अ चेंज ना, लेट्स गो। भाई ट्यूसडे है आज और काफ़ी 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 सन्नाटा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब ओल्ड मनाली में इतनी भीड़ भड़ाका होता है जो कि आज सारा मिसिंग है। क्यों मिसिंग है पता नहीं। अच्छा वो है लेजी डॉग मेरे आगे, आपको ओ देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा वहाँ पे लेजी डॉग। लेजी डॉग इज़ क्वाइट पॉपुलर, थोड़ा ओवर हाइप्ड है, खाना भी अच्छा है बट ओवर हाइप ज़्यादा है। वो आ गया पीपल कैफ़े, ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे ट्राउट अच्छी मिलती है। क्या कह रहे हो? ट्राउट खाया था ना, ट्राउट खाया था हाँ, वो पीपल कैफ़े में, वो पीपल कैफ़े में खाया था। भाई मैंने ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ओल्ड मनाली इतना खाली होगा। आई थिंक ये पहली बार है कि मई के महीने में भी इतना ज़्यादा खाली है। गुड बॉय। जनरली ये स्ट्रीट सारी की सारी भरी होती हैं, सारी भरी होती हैं। मुझे लग रहा है मेरे को बेकरी भी स्टार्ट कर लेनी चाहिए कैफ़े के साथ साथ, बेकरीज में जनरली है भीड़। मुझे तो यार बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना खाली कैसे है, और उस हिसाब से तो मेरी सेल बहुत अच्छी है। मेरा अभी स्टार्ट हुए कितने दिन हुए, 4-5 दिन भी नहीं हुए पूरे, जिसमें से स्टार्टिंग में तो मेरा मेन्यू भी बहुत छोटा था जो मैं खुद ही कुक कर रहा था। अभी तो दीपक भाई को आए हुए एक ही दिन हुआ है और उस हिसाब से अपनी सेल ठीक ठाक है। तो हाँ बट ये बात और है कि यहाँ पर शाम को भीड़ लगने लग जाती है, और भीड़ जब लगती है तो फिर ये सारा कवर अप कर लेते हैं। बट जो भी है आई एम डूइंग प्रीटी वेल ओवरऑल एक तरीके से। चोको चिप कुकी खाने आए हैं, एक चोको चिप कुकी ले लो वैशाली ऊपर वाला। गाइस हम लोग काठमांडू कैफे में आके बैठे हैं, जो ये जो ब्रिज दिखाया था उस ब्रिज के बगल में ही कैफे है। ये देखो ना मेन्यू भी बड़ा देसी सा है, इतना पहली बार मैं आया था मैंने मेन्यू देखा और मैं यहाँ से उठ के चला गया क्योंकि इतना कुछ था कि समझ में नहीं आया क्या क्या है। अभी हिमाचल गवर्नमेंट का मैसेज आया है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, कि यहाँ पे अगले 48 घंटे से 72 घंटे तक बहुत तगड़ी बारिश वारिश होने वाली है और काफ़ी हेल स्टॉम वेल स्टॉम होने वाले हैं। तो भाई अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रैवल करना, जब यहाँ बारिश होती है तो उसके बाद लैंडस्लाइड भी बहुत होते हैं, तो वो सब देख लेना। देखो लोग यहाँ पे किस तरीके के मज़े कर रहे हैं, पता नहीं क्या है मज़े हैं, क्या है कैसे मज़ा आता है। मैं नहीं करूं भाई ये ज़िंदगी में कभी भी ये ज़िपलाइनिंग फिपलाइनिंग, इससे बढ़िया तो पानी में कूद जाऊं। भाई वो जो कल दिखाया था वो लोग वापस आ गए, ये हडिम्बा से मनु टेम्पल तक जाएंगे,
ये कल भी आए थे, ये देखो ये आज भी है। आई थिंक ये पूरा वीक ही ऐसे चलने वाला है। अगर किसी भाई को, किसी हिमाचली भाई को रेलेवेंस पता है इस रैली की, तो मुझे प्लीज़ 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 सब अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये देखो ये जा रहे हैं आगे, पालकी भी जा रही है। देखो ये पालकी जा रही है, ये पालकी जा रही है। ये देखो गाइस पानी कितना अच्छा साफ़ सुथरा पानी दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा पानी बह रहा है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फ्लो भी काफ़ी तेज़ है इस समय, बरसातें बहुत हुई हैं इस साल। इसको क्या हो गया, तेरे को क्या चाहिए वीर? क्या खानी थी? कुकी। तेरे को अभी कुकी, तेरे को आज कैफ़े में खिलाता हूँ बढ़िया वाली बना के, कुकी बहुत ही अमेजिंग कुकी बना के खिलाता हूँ। कैसा था बर्गर दिखने में? पत्तियाँ निकली, देखो देखो देखो, खुश खुश था ये भाई। अपना पता नहीं क्या ही सोच रहा है, पता नहीं किन ख्यालों में खोया हुआ है। देखो क्या हुआ, बेचारे पैर टच नहीं हो पा रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं बेचारे, सबसे लटका पड़ ये भाई बेचारे को दर्द हो गया, इसके इसके पैर नहीं जा पा रहे पानी में। ओ गया 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 पानी, टॉर्चर कर रहे हो उसके साथ यार, इतना टॉर्चर भाई। मोमोज मंगवाए थे, मोमोज आ गए हैं। इसके अलावा वैशाली ने मंगवाया है एक लेबनीज प्लेटर, बेसिकली हमस पीटा वगैरह मंगवाया है, एक फ्रेश लाइम सोडा मंगाया, और क्या मंगाया वीर? मोमोज खा ले। आया फ्रेश लाइम सोडा, इस पर लिखा है डेली सोगा, भाइयों ने स्टिकर भी नहीं उतारा यार, कितना केयरलेसनेस। और ये डिज़ाइन तो जब मेरी मम्मी पापा की शादी हुई थी उस टाइम पे चलता था ग्लास का, है याद है पुराने ज़माने में लोग क्रॉकरी गिफ्ट करते थे, क्रॉकरी गिफ्ट करते थे, ऐसी वाली क्रॉकरी होती थी यार। टेस्ट वाइज ठीक है, चलो अच्छा है, पर यार ये ग्लास चेंज करना चाहिए इनको। शादियों में पुराने ज़माने में क्या होता था, जब बेड के ढक्कन खोलो ना तो बेड के ढक्कन के नीचे से क्रॉकरी निकलती थी, और यही वाले उसमें से ग्लासेस होते थे मोस्टली। हाँ ये आज का थोड़ा है, अब तो ऐसे प्रोडक्शन में भी नहीं होंगे। ये बहुत ही रद्दी मोमोज है भाई, और नहीं खाए जाएंगे, मैंने दो पीस खा लिए, मुझे लगा एक ख़राब होगा, पर बहुत ही गंदे यार ये ना, पत्थर है पत्थर, ये चिकन इन्होंने पत्थर के फॉर्म में रखा हुआ है, बिल्कुल पत्थर है। इससे मैं अगर किसी को मारूंगा तो शायद उसको चोट भी लगेगी। और ये ऑनेस्ट रिव्यूज है, ऐसे नहीं कि हमारा कैफे है इसलिए आप। हाँ भाई ये बिल्कुल आयर नहीं यार, मैं तो सबकी तारीफ करता हूँ यार, ऐसा नहीं है, पर अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, बहुत ही हार्ड है यार, बहुत ज़्यादा हार्ड है। हाँ इन्होंने नहीं बिके होंगे दो चार दिन से, इन्होंने इन्हीं को चला दिया वापस, और मत खाना, बीमार होकर फायदा नहीं है। अरे इससे अच्छी तो उसने बनाए थे हमारे शेफ ने, जो तुमने कहा था बेकार बने। हाँ भाई इससे बढ़िया मोमोज मेरे शेफ ने बनाए थे, बहुत हज़ार, इससे हज़ार गुना ज़्यादा बेटर मेरे शेफ ने बनाए थे, जो मैंने रिजेक्ट मार दिए थे पूरे पूरे। ये तो नहीं खा सकते, इसको छोड़ दो भाई। अपना दूसरा सामान आ गया है, पता है यहाँ पे ना यही है ओल्ड मनाली में ना, मेरे यहाँ जितने लोग आते हैं ना कैफे में, वो लोग कहते हैं भाई पिछले तीन दिन में बेस्ट खाना अगर मैंने खाया तो यही है। क्या हो रहा है यहाँ ना, यहाँ शोशाबाजी, यहाँ कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन। मैं आया हूँ काठमांडू कैफे, मैंने इसको कर दिया रिजेक्ट, दो चीज़ें ऑर्डर करी है और दोनों चीज़ों का आउटकम ये निकला है कि दोनों के दोनों मैंने कर दी है। क्या कह रहे हो? वीर ने भी चिकन मोमोज रिजेक्ट कर दिया, चिकन निकाल के दे दिया। यहाँ मैं इसके बाद कभी नहीं आऊँगा भाई, वीर एक ऐसा बच्चा है जो रिजेक्ट नहीं करता। नहीं खाओगे यार, इन लोगों ने ना जला दिए। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये गंदी क्वालिटी के फ्राइज़ यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ 9 mm फ्राइज़, हम लोग भी ये यूज़ करते हैं, पर इसको जला दिया यार, ये देखो जला दिया फ्राइज़ को, ऐसे फ्राइज़ बनाने का तरीका ये थोड़ा ना होता है। हमस थोड़ा सा खा लिया है, पीटा फिनिश कर दिया है, सारा सैलड छोड़ दिया है क्योंकि सैलड अनकुक्ड है, बिल्कुल रॉ दे दिया इन्होंने। मोमोज छोड़ दिए, वीर भाई साहब ने फ्राइज़ भी छोड़ दिए, बैड एक्सपीरियंस ओवरऑल। सो ओवरऑल अगर अपने को कुछ अच्छा लगा तो वो यहाँ का व्यू है जो बहुत अच्छा है, अपने को फ्री का एंटरटेनमेंट दिखाई दिया, वो नींबू पानी ठीक है ना, लेमन सोडा ठीक है। वैशाली मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, अपने को निकलना चाहिए, तो बारिश होने वाली है उससे पहले पहले हम लोग वापस निकल रहे हैं। मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ओल्ड मनाली का अच्छा रहा है लेजी डॉग में, ओवर प्राइस था फूड बट खाने की क्वालिटी अच्छी थी, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, और पीपल कैफे का खाना भी अच्छा है। उसके बाद मेरे जो लास्ट के दो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, पहला रहा है मेरा शेरे पंजाब में ट्राउट, ओवर कुक्ड जली हुई थी, ओवर प्राइस थी, और आज मेरा काठमांडू, यहाँ का भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा है भाई, अब भीड़ दिखाई देने लगी है भाई। इस भाई भाई की ना एक खासियत है, हम कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं ना, ये परेशान नहीं करता, पूरा टाइम बस सोता रहता है, तो इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज हिम। गाइस रास्ते में रुक गए हैं, एक अपने को ओमनी दिखाई दी है जिसका नाम है, जिसमें लिखा है वैन लाइफ इन इंडिया सवारी इन। गाइस आई मेट दीज क्रेजी गाइस, यू नो अगेन कैरावैनिंग कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, अभी ले, यू गोइंग टू ले टुमारो? एंड कहाँ से हो आप लोग, वेयर आर यू फ्रॉम? बैंगलोर, कर्नाटका। कर्नाटका, अच्छा। तो लोग इन्होंने अभी अभी अपनी वैन लाइफ स्टार्ट करी है। आई ऑल्सो मेट
अद्वैत राइट व्हाट्स योर रियल नेम मनीष सो मनीष वाज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट मी येस्टरडे हम लोगों की बात नहीं हो पाई आज हमारी बात हो गई तो इन लोगों को मैंने अपने कैफे में इनवाइट किया है तो मेरा कैफे है बुरवा में इट्स कॉल्ड आउट मनाली या तो कम टुडे इवनिंग लेट्स स्पेंड सम टाइम गाइस चलो चीयर्स मैन चीयर्स टेक केयर सी यू गाइस ऑलराइट सो क्रेजी वर्ल्ड द वैन लाइफ मूवमेंट इज एक्चुअली टेकिंग ओवर गाइस ये जो वैन लाइफ मूवमेंट है इतना अच्छा लगता है कि लोग देश के इधर उधर कोनों से निकल के आ रहे हैं और अपनी वैन लाइफ स्पेंड कर रहे हैं एंड शाउट आउट टू माई वाइफ वैशाली इसको मैंने बोला भाई 5 मिनट नीचे बैठ जा दोनों बच्चों के साथ तो मैं ऊपर से होके आ जाता हूँ तो उसने कोई प्रॉब्लम नहीं करी अच्छा ये है इनकी गाड़ी इसका अगर ये लोग आते हैं तो रिव्यू बनाएंगे ओमनी है गाइस दिस इज़ नॉट इको ये पुरानी वाली ओमनी है मस्त गाड़ी है मस्त भागती है इस वाली गाड़ी को पूरा कवर करेंगे बारिश शुरू हो गई वैशाली आ जाओ जल्दी अब मेरे पास नहीं करना स्कैन कर दोनों क्या नहीं हो रहा करके देखो नहीं हो रहा तो मेरे को बताओ फिर मैं बैक में से निकालता हूँ चेंज अब गाइस वो वेदर का जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा ख़राब है और यहाँ से निकलना जल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से निकलना जल्दी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बार बारिश तेज़ हो गई तो फिर फंस जाएंगे हम काफ़ी घंटों के लिए जल्दी चलो वीर आओ कम वीर सेट चलो कम सेट चलो भाई हम लोग पहुँच गए कैफे जल देवता ने बहुत कृपा दिखाई कि अभी बारिश नहीं हुई अब आए देखो वो देखो बादल बहुत तगड़े बादल वीर इसको पकड़ना एक बार यार उतर जाओ सो कैफे पहुंच गए और बारिश से बच गए थोड़ी बारिश हुई है ये देखो पैरों पे बूंद दिख रही है ज़्यादा बारिश हुई नहीं यार यहाँ ना मनाली जैसी जगह में गाड़ी निकालने का मन नहीं करता ट्रैफिक जैम लगता है दो ढाई घंटे का तो यहाँ पे वर्थ इट ही नहीं है गाड़ी में ट्रैवल करना अभी जैसे हम लोग ओल्ड मनाली गए होके आ भी गए इमीडिएटली पता भी नहीं चला कितना टाइम लगा पीछे से आ गए यहीं अगर गाड़ी में गए होते तो जाम में फंस जाते तो बुलेट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इन प्लेस लाइक मनाली ये देखो ये है अंगद अब इसको इसकी मम्मा को देंगे इसकी मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब है आज क्या हो गया तुम्हें फीवर हो गया 104 फीवर हो रहा है क्या वो क्यों हो रहा है फीवर तुम्हें पता नहीं अब क्या करोगे सोऊंगी ओके इसको पकड़ो फिर शिट यार क्या बच्चा है हाँ इसमें से बच जाएगा